ये हमारा शहीद स्मारक पर आज 8वां दिन जनक धरना है और ये मजदूरों के हक अधिकार के लिए ये धरना अनवरत जारी रहेगा। ये मजदूर है जो अपनी अलग अलग मांगों को रखकर, जैसे खाद्य सुरक्षा है, सिल्क कोशिश है और भी बहुत सारी जो सरकार की स्कीम्स है, उन योजना को समय पर जो लाभ नहीं मिल रहा है, उन अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। कल जो सिलिकोसिस का मुद्दा था उस पर भी हमारे बहुत सारे जो मजदूर वर्ग, ऐसे पीड़ित मजदूर आए थे जिनके पति की 23 साल में मृत्यु हो चुकी है और जिनके छोटे छोटे 4-5 बच्चे हैं, तो ऐसे मजदूरों को समय पर लाभ नहीं मिल रहा है। तो उन मजदूरों की समस्याओं को लेके और देश में इतनी जैसे भूखमरी है, बोले तो लोग पीड़ित है जिनको समय पर राशन नहीं मिलता है। तो एक तरफ तो जैसे मोदी जी कह रहे हैं कि मतलब कोई गरीब भूखा नहीं सोए, और दूसरी तरफ जो खाद्य सुरक्षा का जो पोर्टल है वो कई मतलब सालों से बंद पड़ा है। तो इस प्रकार से देखा जाए तो मतलब जो आम वर्ग है वो तो भूखा ही मरा है। फिर मोदी जी का जो वो बोल है कि कोई गरीब भूखा नहीं सोए, तो ये तो उनका ये बोल है, मतलब कथनी और कन्नी में मोदी जी का अलग ही शो हो रहा है। धन्यवाद, जिंदाबाद। मेरा नाम युवराज है और मैं शाहपुरा भिलवाड़ा से यहाँ आया हूँ धरने में। आज धरने का 8वां दिन है और 8वें दिन में प्रत्येक दिन नया नया मुद्दा रहता है। तो आज का मुद्दा हमारा भवन निर्माण के जो श्रमिक हैं, श्रम कल्याण विभाग को लेकर आज का धरना आयोजित किया गया इस धरने में, क्योंकि मजदूर डायरी बनती है उनका मात्र 85 रुपए का जो शुल्क है वो शुल्क लगता है और वो शुल्क लगने के साथ ही उनकी डायरी बन जाती है। लेकिन बीच में बिचौले इतने हो गए हैं कि रिश्वत लेते 500, 1500, 2000, 3000 रुपए तक वो डायरी बनाने के लेते हैं, लेकिन उसकी जो 13 स्कीम है उनका लाभ किसी को नहीं मिल रहा। वो 13 स्कीम में से किसी भी स्कीम का कोई भी लाभ नहीं मिलता। लोग फॉर्म भरते हैं, यहाँ तक कि पोर्टल बंद कर दिए गए हैं, पोर्टल में किसी भी प्रकार का फायदा नहीं मिल रहा है। लोगों के बजट अटके हुए, किसी भी प्रकार का फॉर्म भरा जाता है, स्कॉलरशिप का हो, चाहे दुर्घटना का हो, चाहे मृत्यु का हो, लेकिन किसी भी प्रकार का कोई फायदा नहीं मिल रहा है। तो हम लोग इस धरने पे बैठे हैं ताकि सरकार हमारी सुने और वो जो पोर्टल बंद पड़े हैं, जिन लोगों के पैसे अटके पड़े हैं, जिन लोगों ने बहुत पहले से, आज से 5-6-7 साल तक जिन लोगों ने पहले आवेदन कर दिया था, उन लोगों को पैसा मिले, इसको लेकर हम आज ये धरना कर रहे हैं। लगातार आज 8वां दिन है धरने का। तो अब तक जैसे आपने कई धरना देखा होगा, तो वो लोग जो धरना देते हैं वो खुद के स्वार्थ के लिए धरना देते हैं, अपनी खुद की मांगों को लेकर। लेकिन ये धरना जो है वो इस प्रकार से एक अनूठा धरना आप कह सकते हैं कि हम राजस्थान की जनता के हित के लिए धरना दे रहे हैं। तो जैसे आज 8वां दिन है तो हम रोज का रोज नया नया मुद्दा लेते हैं। कभी जैसे जो श्रमिक निर्माण जो करते हैं मजदूर, उनके अधिकारों की बात करते हैं। कभी सिलिकोसिस जो पीड़ित लोग होते हैं उनके अधिकारों की बात करते हैं। कभी नरेगा पर जो मजदूरी करते हैं लोग, उनके अधिकारों की बात करते हैं। तो इस प्रकार से हम लोगों के अनेक मुद्दों पर, सारे मुद्दों पर बात कर रहे हैं और पूरे राजस्थान भर से लगभग 50 जिलों से 200 लोग यहाँ आकर के इस धरने में शामिल हुए हैं। जिंदाबाद। मेरा नाम निकिता योगी है, मैं नीमका थाना डिस्ट्रिक्ट से हूँ और हमारे यहाँ कुछ मांगे हैं जो जन हक के लिए हम लड़ रहे हैं। वो मांगे कुछ इस तरह से है, जैसे जो भी पेंशन कानून नियम बनाया है सरकार ने, और उस नियम को बनाने के बाद में अभी तक भी मतलब 5-6 महीनों से किसी भी महिला का पेमेंट मतलब पेंशन आगे बढ़ाया नहीं जा रहा है। और एक जो गिग वर्कर्स कानून है उसे भी अभी तक मतलब नियम नहीं बनाया गया है। और एक सिलिकोसिस बीमारी है जिसके लिए बहुत सी महिलाएं ऐसी थी कि उनका मतलब नियम जो कानून बनता है उसमें उनको वो सहायता नहीं मिली जो उनको मिलनी चाहिए थी सरकार की तरफ से। तो हम ऐसे कुछ हमारे मुद्दे हैं जो सभी के लिए है, सेम मुद्दे हैं, तो हम उन्हीं हक के लिए यहाँ लड़ रहे हैं। जब तक हमारी सरकार नहीं सुनेगी हम यहीं रहेंगे। जिंदाबाद सभी को। मेरा नाम ईशा है, मैं डिस्ट्रिक्ट धौलपुर से बिलोंग करती हूँ। आज हमें 8वां दिन है धरने का यहाँ पे। जैसा कि सभी लोग जानते हैं कानून ने काफी सारे नियम निकाले थे, लेकिन उसमें से कुछ भी जो मांगी थी अभी तक पूरी नहीं की गई है। इसको लेके हम ही 8 दिन हो गए लड़ते लड़ते, आगे लगातार हमारा धरना चालू रहेगा। ये हम चाहते हैं कि जितने भी गरीब लोग हैं या जरूरतमंद लोग हैं जिनके लिए जो सरकार ने नियम लागू किए हैं वो लागू हो, ताकि उनकी जरूरतमंद जो इच्छाएं हैं पूरी हो सके।